हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बजे हैं 7 और मैं बना रही हूँ आज ब्रेकफास्ट। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ओट्स क्यों नहीं बना रही हूँ, तो मैं ओट्स भी बनाऊँगी। बट जैसा कि मेरा भाई आया हुआ है और उसको ऑफिस जाना है, तो वो 8 बजे तक निकल जाएगा और उससे पहले पहले मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करके देना है। तो मैंने सोचा कि मैं आलू फ्राई एंड पराठा बना देती हूँ और मम्मी ने जो अचार दिया है मैं वो भी दे दूँगी उसको साथ में, और इसके साथ में मैं दे दूँगी इसको दही, बिकॉज़ जो सूखी सब्ज़ी होती है वो खाने में थोड़ा सा इतना कम्फर्टेबल नहीं लगता है, गले में अटकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दही दे दूँगी तो वो ईज़िली खा लेगा। तो अभी मैं कर रही हूँ आलू फ्राई। मैंने इसमें डाला है ऑयल और थोड़े से मैंने इसमें सूखे धनिए के सीड्स मैंने डाले हैं, और इसके साथ ही थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च। और ये आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और उनको मैंने डाल दिया है, तो साइड बाय साइड आलू मेरे अभी फ्राई हो रहे हैं। और इसके साथ ही टाइम हो गया है अभी हस्बैंड के भी ब्रेकफास्ट का, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ मीठे ओट्स। तो मैं और वो हम दोनों तो मीठे ओट्स खाएँगे, और भाई के लिए बन रहे हैं आलू फ्राई एंड इसके साथ में मैं बनाऊँगी पराठा। तो अभी ओट्स में मैंने डाल दिया है 4 डेट्स। तो 2 लोगों में मैं 4 डेट्स में डाल देती हूँ, और इससे जैसी भी स्वीटनेस हमें चाहिए होती है, जितना मीठा उतना सफिशिएंट हो जाता है। और कभी अगर लगता है कि लाइट मीठा है तो मैं इसमें थोड़ा सा हनी भी डाल देती हूँ, बट आज मैं हनी नहीं डाल रही हूँ। तो ओट्स तो मेरे बन गए हैं, हस्बैंड को मैंने दे दिया है ब्रेकफास्ट। और अभी आलू में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा सूखा धनिया का पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसमें हल्का सा खट्टापन और तीखापन ये दोनों चीज़ें रहती हैं, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी अच्छी क्वांटिटी में डाली थी। तो बस इन सारी चीज़ों को डाल के मिला देंगे। और जैसा कि हम लोग धनिया तो खाते नहीं हैं, हमारे घर में धनिया तो नहीं होता है, बट अगर आप लोग इस रेसिपी को कभी ट्राई करते हैं तो इसमें हरा धनिया ज़रूर से ज़रूर डालें, उससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी। वैसे ये बिना हरे धनिए के भी अब तो मुझे आदत हो गई है, तो मुझे तो अब ऐसे ही अच्छी लगती है। तो अभी उसकी सब्ज़ी तो मैंने बना दी है, और अभी मैं बना रही हूँ उसके लिए पराठे। तो अभी फटाफट मैं प्लेन पराठे ही बना रही हूँ, क्योंकि आलू वाली सब्ज़ी के साथ प्लेन पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो पराठों में बस मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि इस समय गर्मी हो रही है, तो गर्मी में अवॉइड ही करना चाहिए, बट क्योंकि पराठों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने बिल्कुल हल्के से अजवाइन डाले हैं। तो अभी वो तो चला गया है ऑफिस और मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी एक्सरसाइज। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आधे घंटे एक्सरसाइज कर ली जाए। वैसे तो मैं रोज़ 1 घंटे करती हूँ, बट आज आधे घंटे ही करूँगी, बिकॉज़ मुझे लंच में भी कुछ स्पेशल बनाना है। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और किसी दिन अगर आप स्किप कर देते हैं तो फिर बॉडी में अजीब सी लेजनेस आ जाती है, तो सारा दिन एनर्जेटिक फील हो, तो इसके लिए मैंने कहा कि मैं आधे घंटे ही कर लेती हूँ एक्सरसाइज। तो अभी बस एक्सरसाइज फिनिश करके मैं अपने घर के दूसरे काम भी करूँगी, बिकॉज़ सुबह आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी उठी थी 6:30 पे। वैसे तो मेरे पास में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ 3 घंटे होते हैं, जिसके अंदर अंदर ये सारे काम मुझे ख़त्म करने होते हैं। फ्रेंड्स, गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं अपने बालकनी वाले रूम में मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, और यहाँ पर पूरा वेंटिलेशन है क्योंकि यहाँ पर ये जाली वाला डोर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। और सुबह से देखिए अभी 7:30-8 हो रहे हैं और धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। एक्सरसाइज तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है, और अभी टाइम है अपने प्लांट्स को पानी देने का। तो मैंने सोचा मैं इनको फटाफट पानी दे देती हूँ, ताकि मेरा जो बालकनी का जो काम है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे इधर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़े से कुछ कपड़े भी थे जो कि मैंने धुले हुए थे,
तो इनको भी मैं डाल दे रही हूँ ताकि दिन में जो भी धूप आएगी तो ये फटाफट सूख जाएंगे। और ये कुछ बर्तन हैं जिनको मैं अभी क्लीन कर ले रही हूँ ताकि दिन में मेरे पास ज़्यादा काम ना हो। और आज लंच में बन रहा है सोयाबीन कीमा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीक में मैं एक दिन सोयाबीन मैं ज़रूर बनाती हूँ, चाहे सोयाबीन आलू सोयाबीन बनाऊँ या फिर सोयाबीन का कीमा या फिर सोयाबीन की कोई और डिश। तो आज मैंने सोचा कि भाई आया हुआ है तो क्यों ना सोयाबीन कीमा बनाया जाए। और इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से डिटेल रेसिपी आप इसकी देख सकते हैं। तो अभी देखिए मेरी सब्ज़ी वगैरह तो सब कुछ बन के रेडी हो गई है और आज मैं लगाने जा रही हूँ फेस पैक। तो ये मैंने बनाया है बेसन हल्दी और दही से, क्योंकि अभी मुझे लगानी है झाड़ू और अभी हो रहे हैं 9:30, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फटाफट ये फेस पैक लगा लूँ, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू करूँगी तब तक ये सूख भी जाएगा। और उसके बाद फिर मैं ले लूँगी शार एंड देन 10 बजे से स्टार्ट करेंगे अपने ऑफिस का काम। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल बटन होता है आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप भी अपना ध्यान रखें, पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, अगर नहीं लगा सकते हैं तो जो भी हैं उनको बचाएं। बाय बाय फ्रेंड्स।